अभी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म द कश्मीर फाइल्स में 1990 में कश्मीर विद्रोह के दौरान कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार की कहानी बताई गई है। इस फिल्म में अनुपम खेर को डिमेंशिया की शिकायत थी, जो कि एक मेंटल डिसऑर्डर होता है। आज इस वीडियो में विस्तार से हम इसी विषय पर बात करेंगे कि आखिर ये डिमेंशिया होता क्या है, इसके कारण क्या है, इसके लक्षण और उपाय के बारे में भी बात करेंगे। दरअसल में डिमेंशिया एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर है, जिसकी दुनिया में काफी सारे लोगों को शिकायत है। डिमेंशिया इंसान की दिमागी क्षमता को काफी हद तक प्रभावित करता है। कुछ लोग डिमेंशिया को पागलपन कहते हैं, तो कुछ लोग दिमाग खराब होना, लेकिन ऐसा नहीं है। डिमेंशिया इन सब से अलग एक मेंटल डिसऑर्डर है। यह खुद एक बीमारी नहीं है, बल्कि यह कुछ मेंटल डिसऑर्डर जैसे पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन आदि के बाद की स्थिति होती है। आम भाषा में कहें तो डिमेंशिया में इंसान की सोचने समझने की क्षमता कमजोर हो जाती है। डिमेंशिया उन कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है जो पूरे मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र और शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्य करती है। डिमेंशिया के कारण इंसान के दिमाग और शरीर को काफी नुकसान पहुँच सकता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ डिमेंशिया की संभावना भी बढ़ती जाती है। दरअसल में डिमेंशिया कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक मानसिक विकार है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 65 वर्ष से अधिक उम्र के 10 में से एक शख्स को डिमेंशिया की शिकायत होती है। अगर कम उम्र में डिमेंशिया के लक्षण दिखाई देते हैं, तो यह अल्जाइमर की शुरुआत हो सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर डिमेंशिया के लक्षण क्या है। एक ही बात को दोहराते रहना, किसी बात को ना समझना, याददाश्त कमजोर होना, बात करने में लड़खड़ाना, पुरानी बातों को याद करना, पुराने किस्सों को बार बार याद करते रहना, किसी बात का याद न रहना, सोचने समझने की क्षमता कमजोर हो जाना, हर समय कुछ न कुछ बोलते रहना, बहकी बहकी बातें करना, किसी के ना होने पर अपने आप से बात करना इत्यादि। रिसर्च के मुताबिक डिमेंशिया का अभी तक कोई पुख्ता इलाज सामने नहीं आया है, लेकिन कुछ डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के आधार पर इसका इलाज कर सकते हैं। इसकी शिकायत होने पर डॉक्टर मेडिकल हिस्ट्री और लक्षणों की समीक्षा करके कुछ बॉडी टेस्ट करवाते हैं। इसके साथ ही डिमेंशिया की शिकायत वाले व्यक्ति के करीबियों से उसके लक्षणों के बारे में पूछते हैं और उसके बाद निष्कर्ष निकालते हैं कि डिमेंशिया की कौन सी स्टेज है। कोई भी सिंगल टेस्ट डिमेंशिया को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, इसके लिए डॉक्टर अलग अलग तरीके के टेस्ट कराते हैं। लेकिन हाँ, डिमेंशिया कुछ दिमागी विकारों की अगली स्टेज होता है। अगर उन दिमागी विकारों जैसे अल्जाइमर, डिप्रेशन, स्ट्रेस आदि पर पहले से ही ध्यान दिया जाए और डॉक्टर से मिला जाए, तो डिमेंशिया के चांस कम हो सकते हैं। लेकिन किसी भी तरह की दिमागी समस्या का अनुभव होने पर उसे छिपाएं नहीं, बल्कि तुरंत एक्सपर्ट को बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।